अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। वेल दोस्तों, आज एक सिंपल सा और बहुत ही इफेक्टिव हुक बेट और चराई के बारे में बात करेंगे तेलापिया और लेलेंटिका के लिए। इसमें आपको दूसरी मछली भी लग सकती है, जैसे कि सॉली जिसको मुरल कहते हैं, और पंगास, और कभी कदर इसमें लकली आपको रेहू कतला मिर्गिल भी लग सकता है। पर बेसिकली ये एक टोप है, ये एक बेट है जो कि तेलापिया, लेलेंटिका और मुरल के लिए है। मुरल मतलब स्नेक हेड जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको साल यस नेठा मछली हमारे यहाँ पर ही कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये एक हुक बेट है और चराई है। तो वीडियो कुछ बताने से पहले, कुछ दिखाने से पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रो है, इंट्रो देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। मछली पकड़ने की नए तरकीब और DIY जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तो दोस्तों, जबकि हमने इंट्रो देख लिया, तो अब चलिए शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि ये जो तेलापिया मछली होती है, या फिर लेलेंटिका मछली जो होती है, या फिर आप समझ लीजिए मुरल मछली जो होती है जिसको स्नेक हेड कहते हैं, इन तमाम मछलियों की फ़ोटो मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ताकि आप देख लो तो समझ जाओ कि इसको क्या कहते हैं आपके लोकल ज़बान पे। हमारे लोकल ज़बान पे जो नाम इसे कहते हैं, जिस नाम से इसे जाना पहचाना जाता है, जैसे कि तेलापिया, लेलेंटिका, या फिर इसको इंग्लिश में रेड तेलापिया भी कहते हैं, और मुरल जिसको स्नेक हेड इंग्लिश में कहते हैं, हमारे लोकल ज़बान पे उसे नेठा मछली, सोल मछली और साल मछली, ये तीन अलग अलग स्पीशीज़ है, पर वो स्नेक हेड के ही कैटेगरी में आता है। साइज़ तीनों का अलग अलग होता है, तो इस तरह की मछली को पकड़ने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कोई भी पार्ट अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे तो आपका पैसा, मेहनत, तमाम चीज़ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो चीज़ आपको करना है दोस्तों, ये तमाम प्रेडेटरी मछली के लिए एकदम रैंडम मतलब हुक बेट है, मतलब आपको एकदम समझ लो एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा तमाम जो प्रेडेटरी मछली है। ये एक दिन का मैं बता रहा हूँ आपको, अपने हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। आपको पहले क्या करना है कि जो चेरा होता है, चेरा मतलब अर्थवर्म, केचुआ जिसको कहते हैं, या कुछ कुछ जगह में शायद इसे घेसा भी कहते हैं, घेसा बहरहाल यूपी में शायद घेसा कहते हैं, बहरहाल तो वो तकरीबन आपको इतना बड़ा साइज़ का जो होता है, बड़ा बड़ा या फिर इतना बड़ा साइज़ का, ठीक है, केचुआ इतना लंबा लंबा, मैं मोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इतना लंबा लंबा जो केचुआ होता है, ये आपको तकरीबन मिट्टी खोद करके 400 ग्राम लेना है। सही सुना आपने, 400 ग्राम काफ़ी होता है मालूम है मुझे, मगर मैं जो वेट के बारे में बता रहा हूँ इसमें आपको ऐसे ही लगेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा लेके जाओगे वो दो मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 400 ग्राम चेरा लेना है आपको, केचुआ अर्थवर्म जिसको कहते हैं, उसको क्या करना है आपको कि 400 ग्राम केचुआ लेके आएँ, और अगर आप मोटा केचुआ, कुछ कुछ जगहों में जैसे कि नदी के किनारे वगैरह मोटा मोटा केचुआ मिलता है, या मिट्टी में देखे होंगे इतना मोटा, मेरे उंगली जितना मोटा है ना, इतना मोटा केचुआ मिलता है, तो अगर आप इसका बनाओगे ना, तो ये प्रेडेटरी मछली के लिए जो बड़ी बड़ी मछली है, जैसे कि बोवाली जिसको मल्ली भी कहते हैं, वालू भी कहते हैं, वालुगातू भी कहते हैं, पठान भी कहते हैं, फरीना भी कहते हैं, बोवाल भी कहते हैं, तो इस तरह की मछली, बगार, रीठा, टेंगर, टेंगरा, बड़ा बड़ा जो होता है, बड़ा बड़ा जो कैटफिश प्रजाति की मछली होती हैं, उन सब मछलियों के लिए मोटा चेहरा ठीक है। बड़े बड़े जो स्नेक हेड होते हैं, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, उन सब के लिए भी इतना मोटा ठीक है, पर तेलापिया, लेलेंटिका वगैरह के लिए, या छोटी छोटी स्नेक हेड के लिए, या फिर रेहू कतला मिर्गिल वगैरह के लिए इतनी मोटी नहीं चलेगी, ठीक है। आपको इतनी लंबी लंबी पतली पतली जो होती है, जिसको नॉर्मली हम लोग हुक में लगा करके शिकार करते हैं, वो लगेगा आपको, ठीक है। मोटा अगर आप ले रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे करके इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, 400 ग्राम जैसे कि आपने अर्थवर्म या केचुआ लिया, जिसको घेसा कहते हैं यूपी के भाषा में, उसमें आपको क्या करना है कि हींग जो होता है, हींग अगर आप प्योर हींग देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, प्योर अगर नहीं मिल रहा, पाउडर वाला अगर मिल रहा है, जैसे कि नटराज हींग और बहुत सारी कंपनी, JK हींग वगैरह बहुत सारी कंपनी का आता है, जो ग्रॉसरी के दुकान पे मिलता है, जहाँ पर ही रसोई का सामान मिलता है, आटा चावल वगैरह, तो वहाँ पर ही आपको आसानी से हींग मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो उसमें आप एक
होम्योपैथी मेडिसिन आता है जिसका नाम है SBL एसोफिटिडा मदर टेंचर क्यू, ठीक है। उसकी फ़ोटो मैं आपके स्क्रीन पे दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हैं। तो आप अगर बाज़ार से हींग लेके आ रहे हैं, असली हो या पाउडर हो, वो आपको एक चम्मच 5 ग्राम जिसको होता है एक चम्मच छोटी चम्मच जो होती है चाय की चम्मच, टीस्पून चाय वाली जो शक्कर वाली जो चम्मच होती है 5 ग्राम, वो उतना आपको ले करके वो अर्थवॉर्म के ऊपर छिड़क देना है। और अर्थवॉर्म को क्या करना है आपको कि अर्थवॉर्म अगर समझ लीजिए इतना बड़ा तो उसको आधा आधा कर लेना, कैंची से आधा काट देना है या कैसे भी करके आप काट दीजिए, आधा आधा कर दीजिए अर्थवॉर्म को। और उसको एक कांच का जो बॉटल होता है, कांच का जो बुजाम होता है, जार होता है, बॉटल जो होता है ट्रांसपेरेंट, उसमें आपको वो काट काट करके आधा आधा काट करके उसमें डाल देना है। और 5 ग्राम जो आपने हींग लिया वो पाउडर उसको पूरा डाल करके पूरा हाथ से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद क्या है दोस्तों कि इसको आपको तकरीबन 2 दिन तक सड़ाना है। इसको ढक्कन बंद करके धूप में रख दीजिए और इसको सड़ने दीजिए, एयर टाइट जार में बंद करके सड़ने दीजिए। 2 दिन तक सड़ाना है आपको। इसमें से काफ़ी महक आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इससे, ठीक है। तो इसको सड़ने दीजिए। सड़ने देने के बाद 2 दिन बाद आपको क्या करना है कि जो 400 ग्राम आप लेके आए हैं, 200 ग्राम अलग कीजिए, 200 ग्राम अलग कीजिए। 200 ग्राम जो है उसमें आपको मिट्टी डालना है। कौन सा मिट्टी डालना है? चूहा जो खोद करके मिट्टी निकालता है, ठीक है, चूहा जो खोद करके मिट्टी निकालता है वो मिट्टी आप थोड़ा सा लेके आए और ये 200 ग्राम उसमें मिक्स करके गोला बनाएं, गोला माने लड्डू बनाएं और उसको चराई की तरफ इस्तेमाल करें। कहाँ फेंकेंगे? आप जहाँ बैठे हुए वहाँ से तकरीबन 10 फुट 15 फुट दूर में फेंके, वही काफ़ी है। और ये एक ऐसा हुक बेट है जिसमें बड़ी बड़ी तेलापिया और बड़ी बड़ी किलो भर, 1.5 किलो भर, 2 किलो भर की जो लेलेंटिका है, जो रेड तेलापिया है, वो लगेगी आपको इसमें। सोल मुरल वगैरह सब लगेगी इसमें, ठीक है। और अगर आपका लक अच्छा रहा तो रेहू कतला मिर्गल भी लग सकता है, ठीक है। तो आप उसे करके फेंके आप। और मैं हमेशा के लिए, जैसे कि मैं बताता हूँ कि इस जब चीज़ों के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई बेहतरीन हुक इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका बेट कौन लेके भागने वाला है वो आपको नहीं पता। अगर आप डैम में खेल रहे हो या रिवर में खेल रहे हो या फिर रिजर्वियर में खेल रहे हो या फिर समझ लीजिए आप कोई ऐसी जगह में खेल रहे हो जहाँ पर ही बड़ी बड़ी मछली है, तो मैं कहूँगा कोई ब्रांडेड हुक इस्तेमाल करो। जैसे कि ये एक ब्रांडेड हुक है, देख रहे हैं, ये बाहर का जापान का माल है। और ये हुक जो देख रहे हैं ना आप, ये 20-25 किलो की मछली ले सकता है आराम से, ठीक है। ये एक ऐसा हुक बेट है, समझ रहे हैं, हुक है। तो इसमें ही जैसा ऐसे ही टाइप के हुक में आप खेलें। वो केचवा जो है, मतलब हाफ के जी 200 ग्राम जो आपने मिट्टी में डाला, चूहा वाला जो खोदा हुआ मिट्टी होता है उसमें डाल करके बॉल बना करके आप चराई कर दिए। चराई करने के आधे आधे घंटे में देखिएगा बहुत सारी मछली जमा हो गई। तो सब एक बार में नहीं चराई करना, आपने बॉल बनाया समझ लीजिए कि 12 गोला बनाया आपने, उससे इतना बड़ा बड़ा पिंग पोंग, इतना बड़ा बड़ा गोला बनाया आपने, 12 गोला बनाया, तो वो आपने 2-3 गोला मार दिया फिर छोड़ दिया उसको। आधा घंटा में अपना शिकार कर रहे हैं आप, माने दिन में जैसे ऐसा लगे थोड़ा खाना कम हो गया तो आप गोला फेंकते रहे, 1-2 गोला फेंकते रहे वहाँ। अब क्या है कि आपका जाकर के चूहा की मिट्टी, इसलिए मैंने कहा कि ये जब फटता है तो प्रोपोर्शनली फटता है, मतलब एक बराबर के हिसाब से फटता है। और आपको जो उसमें चारा में जो मसाला वगैरह या जो भी चीज़ मिलाया तो वो एक बराबर के हिसाब से निकलता है और ज़्यादा मछलियों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैंने उसका बारे में बताया आपको। अब जो 200 ग्राम जो आप साइड करके रखे थे वो आप हुक में लगाएं, ऐसे ही कुछ हुक में लगाएं। और गुच्छा कांटा नहीं होगा इसमें भी आपके लिए, सिर्फ टी नॉट वाला 2 कांटा वाला सिस्टम होगा। आप उसको जो केचुआ को लेकर के कांटा में घुसा करके फेंके तो इंशाल्लाह देखिएगा इसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर आप चाहें तो फ्लोट के साथ खेल सकते हैं, फ्लोट मतलब जैसे मोर का पंख वगैरह होता है। और अगर आप चाहें तो इसको आप ग्राउंड बेट के हिसाब से भी खेल सकते हैं कि ज़मीन पे, पानी के ज़मीन के अंदर में गिरी हुई रहेगी। पर ध्यान रहे दोस्तों, अगर पानी में कचड़ा है, कचड़ा से मतलब मुराद अगर पानी में कचड़ा है, पत्थर है या फिर कपड़ा वगैरह है, बोरिया है, बिस्तर है, सब माने बहुत कुछ डालते हैं ना लोग पानी में, तालाब है तो बस फेंकते रहो, अगर ऐसा कोई मामला है तो आप फ्लोट के साथ खेलें, मतलब फदना लगा करके या फिर मोर का पंख वगैरह वाला सिस्टम या फिर हमारा एक बॉल का सिस्टम है वो वाला लगा के खेलें,
कि ये पानी, ये जो कांटा है ये जमीन को टच ना करे। जमीन को टच करेगा तो हो सकता है पत्थर में फंसेगा कांटा, हो सकता है फिर जाकर के आपको के ये आपका कोई कपड़ा वगैरह में फंस गया या कोई बोरी वगैरह में फंस गया, ठीक है। तो आप उसको उस सिचुएशन में उसको ऊपर में करके खेलें। अगर आपका नीचे का बेड एकदम क्लीन है, कोई मसला नहीं है उसमें, मैंने पानी का जमीन जो है वो अगर क्लीन है, सफ़ा है, तो आप उसको ज़मीन में फेंक करके भी खेल सकते हैं। अगर इन केस इस पे आपको केकड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, अगर इन केस इस बेड में आपको केकड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप ऐसा करें कि जो खल होता है, सरसों का खल या फिर आपका मूंगफली का खल या नारियल का खल, जो भी अवेलेबल है, बेहतर होगा सरसों का खल, उसमें आप मसूर का दाल जो होता है उसमें डाल करके उसको सरसों का खल को पानी में सोख लीजिए, मतलब उसको भिंगा दीजिए, नरम हो जाए जब वो, उसमें मसूर का दाल डाल करके उसको गोल गोल गोला करके जहाँ पर आपने चराई किया उससे दूर में, थोड़ा ही दूर में, 2 फुट 4 फुट दूर में आप वहाँ पर ही गोला कर दीजिए, तो केकड़ा वहीं परेशान रहेगा मसूर का दाल और सरसों का खल लेकर के। और यहाँ पर आप अपना शिकार कीजिए, केकड़ा आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा हुक बेट है जो मैंने कहा, मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं और आप सुन भी लिए होंगे, इसको आप ट्राई करके देखें, इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, जज़ाकअल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।